कर जाए। और वेदांता देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। एक शब्द अंगारे से सुलगता सा, एक शब्द बहते झरने सा, एक शब्द ओस की बूंद सा, एक शब्द मासूम हंसी सा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आज शब्दों से क्यों खेल रही हूँ। वो इसलिए कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि शब्दों को एहसास के साथ जोड़कर कैसे एक खूबसूरत रचना तैयार होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम तेजस्विनी। आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा, और आज की हमारी मेहमान एक लेखिका है, एक ऐसी लेखिका जिन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, कविताएँ भी और उपन्यास भी, जिन्होंने बड़ों के लिए तो तमाम किताबें लिखी ही हैं, उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, यानी उनके बाल साहित्य को भी खूब सराहना मिली है। 100 से ज़्यादा आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और साहित्य को योगदान को देखते हुए ही आपको पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है जानी मानी हिंदी साहित्य की लेखिका उषा यादव जी। उषा यादव कानपुर में पली बढ़ी और अब आगरा की रहने वाली हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका हैं, जो शब्दों के माध्यम से समाज से जुड़े व्यथित करने वाले मसलों को इस तरह अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करती हैं कि पढ़ने वालों के दिलो दिमाग पर दस्तक देती हैं। 8-9 साल की उम्र में ही एहसास कलम के जरिए आकार लेने लगे थे। बचपन में ही प्रेमचंद और शरद जोशी सरीखे लेखकों के उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए। पिता बाल साहित्यकार थे, सो घर में भी अनुकूल माहौल मिला। मेधावी छात्रा थी, 12 साल में ही हाई स्कूल पास कर लिया। पिता जज बनाना चाहते थे, लेकिन शिक्षण और लेखन में ही रुचि थी, सो विवाह के बाद भी पढ़ाई जारी रखी और PhD की। बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी कई पुस्तकें लिखी। 100 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुकी उषा यादव की कई रचनाएं पाठ्यक्रम का हिस्सा भी हैं, तो कितनी ही रचनाओं के अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुए। कहानियां, नाटक, कविता संग्रह और बाल साहित्य की रचनाओं समेत काव्य आलोचना, जीवनी, एकांकी संग्रह और संपादन में भी उषा यादव कार्यरत हैं। अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए 10 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित, बाल साहित्य भारती पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा साहित्यिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित, मानस अनुभूति की जीवंत अभिव्यक्ति के लिए जानी जाने वाली साहित्यकार उषा यादव हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात उषा यादव जी से। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। नमस्ते, और ढेरों शुभकामनाएं आपको पद्मश्री पुरस्कार के लिए। मेरी ओर से भी आपको धन्यवाद। उषा जी, आप एक जानी मानी लेखिका हैं और इतने दशकों का सफर रहा है आपका लेखन का, लेकिन इस साहित्यिक सफर में इतने पड़ाव आपने पार किए हैं, आज आप जिस मुकाम पर खड़ी हैं, किन एहसास के जरिए से परिभाषित करना चाहेंगी आप? ये एक बहुत सुखद एहसास है। एक लंबी साहित्यिक यात्रा जो शुरू हुई थी, मैं समझती हूँ 7-8 साल की उम्र से शुरू हो गई थी, और एक लंबा सफ़र तय करके जो मैं जिस जगह पर पहुँची हूँ, वो निश्चय ही बहुत आनंददायक अनुभूति है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने अभी कहा कि 7-8 साल की उम्र, यानी वो उम्र जब आपने अपने जज्बात को कलम के माध्यम से शब्दों में पिरो के कागज़ पे उकेरना शुरू किया, बहुत बाली उम्र होती है ना वो। क्या ये प्रेरणा, लिखने की प्रेरणा आपको आपके पिताजी से मिली? वो भी तो बाल साहित्यकार। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं ममता जी। मेरे पिताजी एक बहुत ही जाने माने बाल साहित्यकार रहे, बाल कवि रहे, तो मैंने उनको बचपन से ही कविता लिखते देखा था, और मैंने महसूस किया था कि वो किस तरह से एकदम से मतलब कविता में डूब जाते हैं। मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। नहीं समझती थी, लेकिन देखती थी और महसूस करती थी। तो
इसीलिए जब जैसा ही मुझे मतलब मौका मिला, मैंने खुद कलम हाथ में उठा ली और मुझे लगता है कि शायद खिलौनों की जगह कागज़ और कलम से ही मैंने खेला है बचपन में। क्या बात है, यानी वो जो बचपन की छोटी सी नटखट उषा थी उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो याद है क्या आज वो पहली रचना क्या थी? पहली रचना मैंने एक कहानी लिखी थी ममता जी। अच्छा, कहानी से? कहानी थी, कहानियों से शुरुआत हुई थी, लेकिन वो कहानी चाची उसका शीर्षक था, और लेकिन वो कहानी पता नहीं कब कहाँ गुम हो गई। उसके बाद इस विद्यालय की पत्रिका में एक कविता छपी थी, मतलब रचना मेरी छपी थी, तो मुझे लगता है शायद 9 साल की उम्र में वो लेखक की शुरुआत आप हम उसे मान सकते हैं। अच्छा, यानी आपने कविताओं से शुरुआत की जो पत्रिका में छिपी। बिल्कुल। उसके बाद आपने लेकिन कहानियाँ भी लिखी, उसके बाद उपन्यास भी लिखे, तो कविता से कहानी उपन्यास तक का सफर कैसे तय किया? दरअसल मैंने बचपन में कहानियाँ आपसे बताऊँ बहुत सुनी। मेरे दादाजी, हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो वो समय संयुक्त परिवार का चलन था, तो शाम होते ही हम उनके पास उन्हें घेर के बैठ जाते थे और दादाजी कहानी की रट लगाते थे, और उनके पास ऐसा लगता है जैसे कहानियों का एक बड़ा भारी खजाना था। अच्छा। पंचतंत्र की, हितोपदेश की, तो इतनी सारी कहानियाँ उन्हें याद थीं, और हम लोग कभी भी कहानी सुनते सुनते थकते नहीं थे। मैं बच्चों में सबसे बड़ी थी, तो उससे मुझे लगता था कि कहानी कितनी आकर्षक होता है, मोहक दुनिया है कहानी की, उसे छोड़ना आसान नहीं है। तो कहानियाँ सुनते सुनते पता नहीं कब देवकी नंदन खत्री का, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, ये सारे उपन्यास 9-10 साल की उम्र में पढ़ने शुरू कर दिए। अच्छा। इसलिए कहानी लिखन में आ गई। क्या बात है, मतलब आप बचपन से जैसे बता रही हैं कि आपका लेखनी तो बचपन से शुरू हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन आपने तो 12वीं साल की उम्र तक ही आपने हाई स्कूल पास कर लिया था, मतलब बहुत ही मेधावी छात्रा थी आप, तो कभी कुछ और बनने की चाह भी रही थी दिल में, या फिर लेखिका ही बनने का मन था? नहीं, मेरे पिताजी व्यवसाय से एडवोकेट थे जी, तो वो उनके मन में एक ये इच्छा थी कि मेरी बेटी न्याय के क्षेत्र में जाए और जज बने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बचपन से कहा था कि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि तुम जज बनोगी और मैं तुम्हारे इजलास में कोई मुकदमा पेश होगा तो मैं वहाँ पे खड़ा होऊंगा। तो लेकिन मुझे बहुत जल्दी महसूस हो गया कि नहीं, वकालत मेरे लिए नहीं है और लेखन और अध्यापन ही मेरे लिए उपयुक्त क्षेत्र है जी। तो मैं फिर शिक्षा जगत से जुड़ गई। तो आप शिक्षा जगत से जुड़ गई और साहित्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशनसीबी थी कि आप जैसी एक महिला ने लेखनी का दामन थामा और यहाँ तक पहुँच गई हैं आप। आपके अगर हम लेखनी की भी बात करते हैं उषा जी, तो बहुत एहसास, बहुत संवेदनाओं से पूर्ण है आपकी लेखिकाएँ, आपकी लेखनी, आपकी रचनाएँ। बहुत तंज भी कसती है आपकी लेखनी मौजूदा हालात पर, क्योंकि मानते हैं हम ये कि लेखक की कल्पनाओं की उड़ान बहुत असीमित होती है। आपको ऐसे कौन से एहसास हैं जो कचोटते हैं, कौन सी ऐसी सोच है जो आपके दिल पे दस्तक देती है और आप फिर लेखनी शुरू करती हैं? मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा जो कचोटता है वो बच्चों के प्रति जो अमानवीय व्यवहार यदि होता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा, खासतौर से बच्चियाँ, जो असुरक्षित बचपन है, असुरक्षित बच्चियाँ हैं, उन्हें देख के मुझे बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि हम लोगों ने जो बचपन जिया था उसमें हम सहज रूप से नीचे घूमते थे, खेलते थे, कहीं भी चले जाते थे, हमारे घर वालों को कभी शक नहीं होता था कि कहाँ बगल में पड़ोस में जा रही है। लेकिन आज जो समाज की स्थिति हो गई है और जिस तरह से बच्चियाँ और बचपन असुरक्षित हो गया है, ना बच्चे घर में सुरक्षित हैं, ना सड़क पर, ना विद्यालय में, तो मुझे सबसे ज़्यादा कचोटता है यही कि बच्चों का बचपन गुम हो गया है, बचपन संकटग्रस्त है। ये मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायी मौजूदा वक्त की चुनौती है, मौजूदा वर्तमान हालात। और आपने इसे अपनी रचनाओं में भी आपने इसको प्रदर्शित किया है। जब आप ऐसी रचनाएं लिखती हैं जो किसी भी पढ़ने वाले के दिल को छू जाती हैं, तब उषा जी जाहिर है कि पढ़ने वालों की प्रतिक्रियाएं भी आती होंगी आपको? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पाठ की प्रतिक्रियाएं ही हम लोगों को ये हमें जतलाती हैं कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या हमारा जो लेखन है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि केवल मनोरंजन ही लेखन का उद्देश्य नहीं है, इसके साथ साथ कुछ जीवन यापन के लिए जीवन मूल्य भी उसमें होने चाहिए जो दिशा निर्देश दें। क्योंकि आजकल जिस तरह से समाज में आपाधापी मची हुई है और
ना बच्चों को ही पता है उन्हें क्या किधर जाना है, तो ये जो भौतिकता की अंधी दौड़ में जो समाज दौड़ रहा है, तो उसमें मुझे यही लगता है कि मेरा लेखन कुछ संदेश भी दे। आपने जो आप लिखती रही हैं कहानियाँ और उपन्यास, बहुत सारी पत्रिकाओं में भी वो छपती रही हैं, और मुझे लगता है कि आम जन तक ये इन पत्रिकाओं के माध्यम से जो पहुँचती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जरिया होता है। उदाहरण के तौर पर आपके तर्पण, ये जो कथा कहानी रही है वो भी लोगों के दिल को छू के रही। कुछ हमें भी रूबरू कराएंगे आप अपनी लेखनी अपनी रचनाओं से? आप बिल्कुल सही कह रही हैं ममता जी, ये तर्पण हंस में छपी थी, मुझे लगता है शायद 2002 की बात है, तो आज करीब 20 साल हो रहे हैं इस कहानी को छपे हुए। तो आज तो ये ऐसा कुछ नया नहीं है कि लड़कियाँ अपने मतलब पिता की या माँ की, यदि आजकल एक भी संतान, कभी एक ही संतान बेटी है वो होती है, तो वो अंत्येष्टि करे, अब इस समय नहीं, काफ़ी ये अनहोनी नहीं है। लेकिन आज से 20-21 साल पहले ये एक अलग सी घटना थी कि तीन स्कूली बच्चियों ने आमारबाड़ी की एक 94 साल की वृद्धा थी उसका अंतिम संस्कार किया था। इस विषय पर ये कहानी लिखी गई थी, और पृष्ठभूमि ये थी कि होली का त्यौहार है और आज ब्रज में होली रे रसिया, इसकी धूम मची है सब तरफ, क्योंकि ब्रज की होली मशहूर है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर एक आमारबाड़ी की महिला आश्रम की एक 95 साल की सप्तदल का अचानक निधन हो जाता है, तो सब सोचते हैं 3-4 दिन तो कोई नहीं मिलेगा होली के उत्सव में इसके अंत्येष्टि के लिए। तो वो लोग सब पूरे वृंदावन में घूमती हैं वहाँ की आमारबाड़ी की वृद्धाएँ, लेकिन कोई उनको कहीं से सहयोग नहीं मिलता। तो तीन छोटी छोटी स्कूली बच्चियां जो 10-12-14 साल की हैं, वो अंतिम संस्कार करती हैं। तो इस पर है, और जब वो बच्चियां शमशान में ले जा करके दाह संस्कार करती हैं, तो वो हाथ जोड़ करके कहती हैं, बूढ़ियां भी कहती हैं कि आज से आमारबाड़ी अपने अंतिम संस्कार के लिए कभी किसी पुरुष का आश्रित नहीं रहेगा। क्या बात, यानी एक ही उदाहरण से आपने कितने सारे धारणाओं पर चोट की। बहुत महत्वपूर्ण विषय वाकई जी, मतलब आपकी बात सुन के हम ही को, हमारा ही, मेरा ही दिल इतना सोचने पर मजबूर हो रहा है। जाहिर है कि पढ़ने वालों ने भी इस पर गहराई से सोचा होगा, क्योंकि आपको बहुत प्रतिक्रियाएं आई थी इसको लेकर। सही कह रही हैं, पाठ की प्रतिक्रियाओं से ही हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हम पता चलता है। अब तो देखिए मोबाइल का ज़माना है, लोग मोबाइल से नंबर भी मोबाइल पर छप जाता है, पत्रिकाओं में बता देते हैं, पहले पत्र आते थे तो 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर जो पाठ की प्रतिक्रियाएँ आती थी इतनी अच्छी लगती थी कि रचना इधर रचना छपी, आजकल में छपी, वागर्थ में छपी, या कहीं भी मधुमती में छपी, भावनाओं में मुझे लगता है ज़्यादा गहराई भी होती थी उस समय, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, आपने अभी बाल साहित्य की बात की है उषा जी, मतलब आप बड़ों के लिए भी लिखती हैं और आप बच्चों के लिए भी लिखती हैं, ये कैसे आप बाल मन के एहसास को सोचते हुए उनके भावों तक अपने आप को ढाल पाती हैं, मुश्किल नहीं होता? दरअसल ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से हठयोग की साधना है, हम अपने बचपन को दोबारा जीते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है कि जिसे हम समय की डगर पर चलते हुए वर्षों पीछे छोड़ आए हैं, उस बचपन को दोबारा अपने उन्हीं अनुभवों को जीवंत करना, उसी एहसास को जीना, और आज के बच्चों को देख करके उसको महसूस करना। मैं वही जानना चाह रही थी कि एक दौर आपने जी लिया अपना, और अब वक्त बहुत बदल गया है, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, बच्चों की सोच बहुत बदल गई है, बच्चों का सोच, तो कैसे आप अपने आप को रिलेट करती हैं आज के बच्चों से, आज के युवा जनरेशन से? लेकिन उसके बावजूद हम लोग आज के बच्चों के मन में प्रविष्ट हो जाते हैं, अगर नहीं हो तो ये बच्चे भी इतनी रुचि से कहानियाँ अगर छपती हैं, तो बच्चों के पत्र आते हैं कि आपका और कौन सा बाल उपन्यास छपा है, एक हमारा CBT से छपा था पारस पत्थर, तो बहुत सारे बच्चों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हमें आपकी और रचनाएं पढ़नी। क्या बात है, बहुत खूब। आपने कविताओं की बात की है, उपन्यास, कहानियाँ, यहाँ पर आपसे कोई कविता सुनना चाहेंगे, आपकी क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं आपको अपनी एक कविता सुनाऊंगी, चुनौती, उसका शीर्षक है चुनौती। तो ममता जी, इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से है कि आज मानवीय संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, भौतिकता की दौड़ में हम लोगों को लगता है सब कुछ बाजारवाद की भेंट चढ़ रहा है। तो ये कविता इसी भाव पर है, आप देखिए। मैंने खीर बनाई चाव से, तुम बोले निर्लिप्त भाव से, क्यों इतनी मेहनत की, होटल में सब कुछ मिलता है। मैंने स्वेटर बुना चाव से, तुम बोले अनमने भाव से, क्यों खटी रात दिन, एक एक फंदा बिन, मॉल्स में सब कुछ मिलता है।
मैं मासूम भला क्या जानूं, क्या क्या मिलता है दुकान में, बाजार में और मॉल्स में। मैं मासूम भला क्या जानूं, क्या क्या मिलता है दुकान में, बाजार में, मॉल्स में। पल भर को पलकें झपकाईं और फिर चुनौती दी तनिक मुस्कराकर, अच्छा अगर नेह बहन का, ममता माँ की, दुलार बेटी का और एक निष्ठ लगाओ पत्नी का, खरीद कर लाओ, मुझे दिखलाओ खर्च करके पैसे, तो मानो तुम्हारे बाजार में सब कुछ मिलता है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, अति सुंदर। खास बात जो आपकी रचनाओं में झलकती है वो ये कि उषा जी बहुत सरल भाषा में जी, सरल भाव में एक गहरा अर्थ सामने छोड़ जाते हैं। अर्थ रहता है, बिल्कुल अर्थवत्ता बहुत रहती है रचनाओं में। लेकिन ये जो सरलता है, क्योंकि हम अमूमन ये भी देखते हैं कि जो साहित्यकार हैं उनके शब्दों का चयन, बहुत बार कलिष्ठ हिंदी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप बहुत सरल शब्दों में, क्या ये प्रयास ये भी होता है कि हर व्यक्ति से जुड़ा जाए, वो सबके समझ में आ जाए कि वो तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य की जो उसमें पहले तो है सहित का भाव, कल्याण का भाव होना चाहिए और फिर उसको जन संवेद्य होना चाहिए। अगर आम आदमी तक नहीं पहुंचा, कुछ खास पढ़े लिखे या बुद्धिजीवियों तक ही गया, तो फिर हमने किसके लिए लिखा है, हमने तो आम जन के लिए लिखा है। अच्छा, आपने कानपुर से PhD की जी, उसके बाद आप आगरा आ गई। एक जगह आपने लिखा है कि कानपुर के साहित्यिक माहौल ये आपकी लेखनी को धार देता है। जी हाँ, यह मैं समझना चाहूँगी कि इन शहरों ने कैसे आपके साहित्यिक व्यक्तित्व को निखारा। मैंने आपको बताया मेरे पिताजी बाल साहित्यकार थे, तो इसलिए हमारे घर में जो माहौल था, सोहनलाल द्विवेदी जो इतने बड़े राष्ट्रीय कवि हुए हैं, निरंकार देव सेवक जी और कानपुर के ही थे राष्ट्रबंधु जी, तो इनका सबका हमारे यहाँ आना जाना होता था। इलाहाबाद की शकुंतला सिरोठिया जी थी, और अगर मैं आगरा की बात करूं तो आगरा में मुझे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, जिनकी कविताएं पाठ्यक्रमों में बहुत पढ़ी जाती हैं, तो इन लोगों का जो मुझे मतलब संग साथ मिला, उससे मुझे लेखन के लिए बहुत प्रेरणा मिली और माहौल बना लेखन। एक अच्छा लेखक बनने के लिए क्या ज़रूरी है? पाठक बनना, पाठक बनना, हाँ, पढ़ना, पहले पढ़ना। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमसे पहले क्या लिखा जा चुका है, हमने वो नहीं पढ़ा और हमने खुद कलम उठा के लिखना शुरू किया, तो हो सकता है हमसे पूर्ववर्ती बहुत अच्छी एक लकीर खींच गए हैं, और अगर हमने उससे बड़ी लकीर नहीं खींची तो फिर हमारे लेखन का कोई औचित्य नहीं रहा। आपने शिक्षण में भी लगभग 3 दशक का वक्त आपने शिक्षण में ही गुजार दिया। जी हाँ, ये शिक्षण में भी आपका क्या अनुभव रहा? उषा जी, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले तेजस्विनी में यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाएंगे। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान है जानी माने हिंदी जगत की लेखिका उषा यादव जी। उषा जी, आपने अभी हम शिक्षण की बात कर रहे थे, जब आप शिक्षण कार्य में जाते हैं तो जाहिर है इतने युवाओं के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, बातचीत करते हैं, आज का युवा साहित्य के प्रति कितना गंभीर लगता है आपको, आपका अनुभव क्या कहता है? आज का युवा तो मुझे लगता है पुस्तकों के प्रति भी इतना गंभीर नहीं रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तकों के प्रति भी इतना गंभीर नहीं रहा है, तो ये तो थोड़ी सी समस्या है। और ख़ास तौर से साहित्यिक पुस्तकों के प्रति, जो हम थोड़ा सा साहित्य चलता हुआ किस्म का है, उसके पाठक तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ममता जी जो थोड़ा, जिसे हम कहते हैं संवेदनशील साहित्य है, या थोड़ा
चिंतन की धरातल से जुड़ा हुआ साहित्य है उसके पाठक हमें बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर हम दर्शकों को ये भी बता दें कि उषा जी की बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनका बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और वो पाठ्यक्रम के साथ भी उनको जोड़ा गया है। मैं सही कह रही हूँ उषा जी? बिल्कुल सही। बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है एक लेखक के लिए कि इस तरह अनुवाद भी हो और पाठ्यक्रम भी बने। ना अनुभव है आपको तो लिखने का, ज्यादा वक्त तो नहीं लगता होगा आपको कोई कहानी या कोई कविता लिखने में, या फिर गहन सोच में वक्त जाता है? हाँ बिल्कुल, समय नहीं लगता है क्योंकि एकदम से वो रचना हमें इतना उद्वेलित करती है और अपने आप कलम के नोक पे आकर लिखवा लेती है। हम बिल्कुल कोई प्रयास नहीं करते हैं और जब वो लिखवा लेती है और उन क्षणों में तो बस ना हमें नींद की चिंता रहती है ना खाने की चिंता रहती है, पहले रचना कहानी तो एक सिटिंग में हो जाती है। देखे तो महिलाओं के जीवन में तो बहुत चुनौतियां होती हैं, बच्चे होते हैं, घर बार होता है, पति की देखभाल होती है, बहुत कुछ होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। आपके लिए ये लेखने का सफर, क्योंकि मानते हैं हम कि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है, संघर्ष रहता है, आपके साहित्यिक संघर्ष आपका कैसा रहा? जैसे मैंने पहला बाल उपन्यास लिखा था पारस पत्थर, तो उसके पहले मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे ममता जी, मैंने बच्चों का कोई साहित्य नहीं लिखा था, सबसे पढ़ा खूब था, पहला उपन्यास लिखा और मैंने उसको चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की प्रतियोगिता थी उसमें मैंने भेज दिया, मैंने कहा ठीक है, और केवल वही उपन्यास पुरस्कृत हुआ। अच्छा, क्या बात, वही सम्मानित हुआ, तो इससे बहुत मनोबल बढ़ा, मुझे लगा मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ। तो और मैंने जब जहाँ भेजा, आजकल मैं रचना भेजी वहाँ पे प्रकाशित हुई, लिखने के लिए छपने के लिए मुझे नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं। लेकिन परिवार से आपको कितना सहयोग मिला? हमने सुना है कि आप अपने पति से छिप के लिखती थी और आप कहानी लिख के जला भी देती थी छिपाने के लिए, लेकिन आपके पति ने तो आपका बहुत सहयोग किया ना? हाँ, दरअसल सहयोग उनका ना होता तो मैं नहीं पहुँच पाती इस जगह पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ावा दिया और शायद उन्होंने, क्योंकि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में थे, आगरा कॉलेज में पढ़ाते थे, अध्यापक रहे, तो उन्होंने मेरी कहानियाँ देखी, उनको लगा होगा कुछ इससे तो छप सकती हैं, और मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या लिखा है, इसका कोई औचित्य है या नहीं है, तो उसको मैं जला ही देती थी, नहीं रखती थी सामने। आपने बताया नहीं अपने पति को कि शादी के बाद कि आप लिखती हैं, लिखने का शौक? अच्छा, मैंने नहीं बताया था, शादी भी तो बहुत जल्दी हो गई थी, तब 20 साल की भी नहीं थी, 19 साल की थी, तो नहीं इतना समझ नहीं थी कि लेखन का क्या महत्व होता है, क्या औचित्य होता है, तो लेकिन उन्होंने जब अचानक देख लिया, कहा कि क्या है, तो देख करने के बाद में उन्होंने कहा और हैं तुम्हारे पास कहानियाँ? हाँ और हैं, तो फिर वो टाइप कराई भेजी। अच्छा। और वो कादंबिनी में छपी, तो इससे मुझे महसूस हुआ कि उन रचनाओं में, मतलब मैं गलत सोच रही थी, अपने को आकलन नहीं कर पा रही थी अपना। उषा जी, आपसे कुछ और सवाल लूंगी लेकिन संक्षेप में उनके जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। उषा जी, आपके इस साहित्यिक सफर का सबसे खूबसूरत पड़ाव क्या रहा? मेरा एक उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, जो बाल अधिकारों पर आधारित है और उसको मानवाधिकार आयोग ने प्रथम पुरस्कार दिया था। आपने शुरू से मुझे बोला कि आप बहुत सारे लेखकों के नाम आपने लिए कि जिन्हें आप पढ़ती थी जी, लेकिन कोई ऐसे पसंदीदा लेखक भी रहे आपके कि कभी मन करता है तो हाथ उन्हीं की पुस्तक पे जाके ठहर जाता है? रंगे राघव का कब तक पुकारूं एक नाम रचना का लेना होगा तो मैं उन्हीं का नाम लूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा था रंगे राघव का। इतनी सारी रचनाएं, इतनी सारी कृतियां, कोई ऐसी कृति भी है, कोई ऐसी रचना भी है जो आपके दिल के बहुत करीब है? काहेरी नलिनी है, ये नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण पर आधारित रचना है। ओहो, अच्छा। तो ये भी एक वैश्विक समस्या है, तो ये इसने मुझे बहुत दिल के करीब है ये रचना। युवा लेखकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मुझे शॉर्टकट कोई नहीं होता है लेखन का, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, श्रम ही के मार्ग पर चलें और संकल्प है, निष्ठा है, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने पहली रचना लिखी और वही हमारी जो है एकदम चर्चा में आ जाए या हमको यश और प्रसिद्धि दिलाए, वक्त लगता है। और मेरे को लगता है कि आपकी लेखनी इस बात का भी उदाहरण है कि कलम में कितनी ताकत होती है, कलम में बहुत, और कलम बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, आप सही। हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ उषा जी कि जिस तरह आप आज तक लिखती आई हैं इसी तरह आप आने वाले लंबे वक्त तक भी यूं ही लिखती रहें और अपने पाठकों के सामने बेहतरीन रचनाएं प्रस्तुत करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप। और तेजस्विनी कार्यक्रम में अब बात हमारी सेगमेंट वीरांगनाएं स्वतंत्रता संग्राम की, जिसमें हम आपके सामने आज बात करने जा रहे हैं आजादी के संग्राम की गुमनाम नायिका गुलाब कौर की।
गुलाब कौर, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया। उनका जन्म पंजाब के संगरूर जिले के बख्शीवाला गांव में हुआ और शादी मानसिंह से हुई, जिसके बाद वो फिलीपींस चले गए, जहां वो प्रसिद्ध गदर पार्टी में शामिल हो गए। गुलाब कौर पत्रकार के गुप्त वेश में गदर पार्टी के लिए हथियारों का इंतजाम करती थी और प्रचार करती थी। फिर उन्होंने 50 अन्य क्रांतिकारियों के साथ भारत आने का निर्णय किया। वो कपूरथला, होशियारपुर और जालंधर जैसे स्थानों में एक सक्रिय कॉमरेड बन गई, जो सशस्त्र क्रांति के लिए लोगों को जुटा रही थी। गदर पार्टी के सदस्यों को हथियार और गोला बारूद भी वितरित करने के अलावा क्रांतिकारी फौजियों की बैठकों में लंगर पानी का भी जिम्मा संभालती थी। इतना ही नहीं, गुलाब कौर ने पार्टी के प्रिंटिंग प्रेस पर निगरानी रखी, लेकिन बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लाहौर की जेल में 2 साल तक कैद में रखा गया, जहां उन्होंने कई यातनाएं झेली और अंत में 1941 में उनका निधन हो गया। लेखक केसर सिंह ने गुलाब कौर पर एक पुस्तक भी लिखी है, गदर दीती गुलाब कौर। गुलाब कौर के बलिदान के लिए देश कर रहा है उन्हें सलाम। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा की तरह अभी भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी और एक और वीरांगना के साथ। नमस्कार। तेजस्विनी के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए, और वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। माँ गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम आए, और जैसे जैसे माँ गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। अब तक तब भाई बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक माँ गंगा जो चीख चीख करके कह रही है, कोई तो मेरा बेटा आए, कोई तो मेरा लाल आए, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। हो सकता है मां गंगा की सेवा करना भी मेरे नसीब में लिखा। हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।